उदाहरण 13। PQRS एक समांतर चतुर्भुज और PQTV आयत है। SU PQ पर लंब है। सिद्ध कीजिए कि पहला, PQRS का क्षेत्रफल बराबर होगा PQTV का क्षेत्रफल। दूसरा, PQRS का क्षेत्रफल बराबर PQ गुणित SU। बच्चों, अभी हमारे सामने उदाहरण 13 है और इसमें हमें दिया हुआ है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये आकृति आपके सामने है, आप इसमें देखिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और PQTV एक आयत है। PQTV एक आयत है, ये दो आकृतियां हमें दी हुई है। और एक जानकारी और हमें दी हुई है, वो ये है कि SUPQ पर लंब है। आप देख रहे हैं कि SU एक भुजा है, ये जो SU है वो इस चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज के आधार PQ पर लंबवत है। ये हमने बना लिया जो बताता है कि SU और PQ एक दूसरे पर लंबवत है और ये कोण समकोण है। ये तीन जानकारियां हमें दी हुई है और हमें सिद्ध करने को कहा गया है कि PQRS का क्षेत्रफल बराबर PQTV का क्षेत्रफल, यानी समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल PQTV आयत के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। और दूसरी चीज जो हमें सिद्ध करनी है वो ये है कि PQRS इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल PQ गुणित SU के बराबर है। PQ गुणित SU, ये हमें सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए हम एक प्रमेय का उपयोग करेंगे जो इसके ठीक पहले आपने पढ़ा है, और वो प्रमेय ये है कि यदि एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के एक ही जोड़े के बीच जितने समांतर चतुर्भुज बनते हैं उन सभी का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ये एक प्रमेय हमने पढ़ा था, तो उस प्रमेय के आधार पर आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न हमें दिया हुआ है उसका पहला हिस्सा प्रूफ हो जाता है। इसको आप इस तरह से देखें, हम यहां पर बात करें समांतर चतुर्भुज PQRS और आयत PQTV में, PQTV में आप देखिए कि दोनों का आधार एक ही है, माने दोनों PQ आधार पर बन रहे हैं। PQ आधार उभयनिष्ठ है, दोनों रचनाएं PQ और VR समांतर रेखाओं के बीच हुई है। चूंकि PQ RA समानांतर चतुर्भुज है, यानी PQ और SR समानांतर है, तो आप इससे इस बात को लिखेंगे PQ समानांतर, आप इसे SR कह दें, SR, इसलिए PQ समानांतर होगा VR के, PQ समानांतर VR। आप देख रहे हैं कि दोनों जो चतुर्भुज है, एक आयत और दूसरा समानांतर चतुर्भुज, दोनों का आधार एक ही है PQ, और दोनों चतुर्भुज समानांतर रेखाओं के एक ही जोड़े के बीच बन रहे हैं, यानी PQ और VR जो समानांतर रेखाएं हैं उनके बीच ही बन रहे हैं। और आपने अभी जो जिक्र किया हमने आपसे कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने हुए दो चतुर्भुज जिसमें एक आयत है और दूसरा समांतर चतुर्भुज है, तो चूंकि आयत भी एक समानांतर चतुर्भुज ही होता है, तो आप इस बात को कह सकते हैं कि दोनों चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। आयत PQTV भी एक समांतर चतुर्भुज है और PQRS समांतर चतुर्भुज तो दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों चतुर्भुज जिनमें एक आयत और एक समानांतर चतुर्भुज है वो क्षेत्रफल बराबर है। आप यहां लिख सकते हैं चतुर्भुज ये, आप इसे समांतर चतुर्भुज कह दें, समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर आयत जो कि स्वयं में एक समांतर चतुर्भुज भी है PQTV।
का क्षेत्रफल दोनों बराबर है और इसका आधार क्या है बराबर कहने का, एक बार फिर से दोहरा दूं मैं कि यदि दो समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के एक ही जोड़े के बीच बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ये एक प्रमेय है जो आपने इसके ठीक पहले पढ़ा है, उस आधार पर इस बात को आप कह सकते हैं कि इस दी हुई आकृति में पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर पी क्यू टी वी का क्षेत्रफल। तो ये पहला कथन आपने सिद्ध किया जो प्रश्न में दिया हुआ था। अब दूसरे कथन की तरफ गौर करें, दूसरा कथन है पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर पी क्यू गुणित एस यू। हम देखें पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर, अभी आपने सिद्ध किया कि पी क्यू टी वी के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसे आप लिखें पी क्यू टी वी का क्षेत्रफल और पी क्यू टी वी चूंकि एक आयत है और इसलिए आप लिख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल यानी आयत की एक भुजा गुणित आयत की संलग्न दूसरी भुजा यानी पी क्यू गुणित क्यू टी बराबर पी क्यू गुणित क्यू टी या टी क्यू आप लिख सकते हैं, टी क्यू ऐसा लिख सकते हैं। और आप देखिए इस पूरे चित्र में आप देखिए कि ये एक समकोण है यानी एस यू पी क्यू पर लंब है और चूंकि ये एक आयत है पी क्यू टी वी एक आयत है तो आपको मालूम है कि आयत का प्रत्येक कोण भी समकोण होता है यानी ये कोण समकोण है, ये कोण भी समकोण है यानी ये चौथा कोण भी समकोण होगा। तो आप देख रहे हैं कि नया एक छोटा सा जो आयत बन रहा है यू क्यू टी एस ये भी एक आयत है और इसके सभी कोण समकोण है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि आयत है और इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर भी होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि टी क्यू बराबर एस यू। तो यह इस टी क्यू को हम इस एस यू से रिप्लेस करेंगे, टी क्यू की जगह पर एस यू लिखेंगे तो हमको मिलेगा पी क्यू गुणित एस पी क्यू गुणित एस यू। ये है समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, ये हमें सिद्ध करना था पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर पी क्यू गुणित एस यू, ये आपने सिद्ध किया। तो इस तरह से ये दोनों जो कथन है जो सिद्ध करने थे हमें वो सिद्ध होते हैं।